नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अ टेम्पल ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे एक तो फीमेल कांस्टेबल की कट ऑफ के बारे में और एक जो रिजर्व बटालियन का एग्ज़ाम हुआ था कल उसके बारे में। दोस्तों, कल दो एग्ज़ाम हुए थे। मॉर्निंग शिफ्ट में जो हुआ था वो हुआ था फीमेल कांस्टेबल का, और जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ था वो हुआ था रिजर्व बटालियन का, इंडियन रिजर्व बटालियन का। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। एक बार इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है हमारे हिसाब से वो कितनी रहेगी। देखो, उससे पहले हम एक बार बात करते हैं कि कितनी पोस्ट थी, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट थी। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं जनरल की बात करूँ और मैं बात करूँ फीमेल कॉन्स्टेबल की, किसकी, फीमेल कॉन्स्टेबल की, फीमेल कॉन्स्टेबल में जनरल की जो पोस्ट थी वो थी 528 पोस्ट। कितनी पोस्ट थी? 528 पोस्ट। और बीसीबी की पोस्ट थी 92, मात्र 92 पोस्ट थी बीसीबी की। और बीसीए की पोस्ट थी 161। कितनी थी? 161। और एससी की थी 206 पोस्ट। कितनी पोस्ट थी? 206। ये बात किसकी हुई? फीमेल कांस्टेबल की। और अगर मैं बात करूं आईआरबी की, इंडियन रिजर्व बटालियन की पोस्ट कितनी थी, तो जनरल की पोस्ट थी 230। कितनी पोस्ट थी? 230। किसकी? जनरल की। बीसीबी की बात करूँ तो 40 पोस्ट थी। बीसीए की बात करूँ तो मात्र 70 पोस्ट थी। और अगर मैं एससी की बात करूँ तो पोस्ट थी 90। और दोस्तों, अगर मैं एक्स सर्विसमैन की पोस्ट करूँ, एक्स सर्विसमैन की पोस्ट के बारे में बात करूँ, एक्स सर्विसमैन जनरल बीसीबी बीसीएससी सबकी मिला के थी 60 पोस्ट। कितनी पोस्ट थी? 60 पोस्ट। ठीक है दोस्तों, ये था पोस्ट का ओवरव्यू कि कितनी पोस्ट किस कैटेगरी में है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद एक चीज़ देख लेते हैं दोस्तों कि देखो, ये तो बात होगी पोस्ट की। अब अगर मैं लेवल की बात करूँ, पेपर के लेवल की, तो जो फीमेल का पेपर, फीमेल कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था वो तो मॉडरेट लेवल का था। हार्ड उसको नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अगर 100 में से 10 क्वेश्चन हार्ड है तो वो पेपर हार्ड नहीं होता, क्योंकि आप 90 में से तो ले सकते हो। अगर मान लो आपको 10 में से एक भी क्वेश्चन नहीं आता, मान लो एक दो तुक्का भी ठीक हो जाएगा, तो भी वो एग्ज़ाम अच्छा ही होता है। अगर मेल कांस्टेबल के हिसाब से और एसआई के हिसाब से ये एग्ज़ाम देखें तो दोनों एग्ज़ाम बिल्कुल सही लेवल के थे, ज़्यादा मुश्किल ये नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों ने बहुत अच्छा अच्छा स्कोर इसमें किया है। अगर अब मैं बात कर लूँ फीमेल की, कि फीमेल की कट ऑफ कितने रहेगी जनरल की, तो फीमेल की जनरल की लगभग रहेगी 62 से 65 क्वेश्चन के बीच जनरली, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं था। मैं दोबारा बता रहा हूँ, 60 के आसपास क्वेश्चन सब बच्चे ठीक कर लेंगे सब, लेकिन सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा ना, तो जो सबसे ऊपर होगा सिलेक्शन उसी का। तो जनरल में 62 से 65 क्वेश्चन जिसके ठीक है वो अपना सिलेक्शन पक्का समझो, अपनी फिजिकल की तैयारी रखो। बीसीबी की अगर बात करूँ 60 से 63 क्वेश्चंस, दोस्तों ये मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चंस के बारे में, किसके बारे में? क्वेश्चंस के बारे में, इतने क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए। बीसीबी में बात करूँ तो 60 से 63 क्वेश्चन के बीच में जिसके ठीक है उसका फिजिकल आएगा, टेंशन मत लो, तैयारी रखो अपने फिजिकल की। बीसीए की बात करूँ तो 58 से 61 क्वेश्चन। और अगर मैं एससी की बात करूँ, एससी की थोड़ी सी कम रहेगी क्योंकि इसकी जो पोस्ट थी वो अच्छी पोस्ट थी, 206 पोस्ट इसमें थी। एससी की बात करूँ तो 52 से 55 क्वेश्चन जिसके ठीक है वो आराम से टेंशन, बिना टेंशन के अपनी तैयारी करो फिजिकल की। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आईआरबी की, बात करते हैं रिजर्व बटालियन की, आईआरबी की अगर मैं बात करूं तो आईआरबी की जो जनरल के लिए कट ऑफ रहेगी वो 59 to 63 क्वेश्चंस की रहेगी, इसके आसपास ही रहेगी, इससे ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगी और ना ज़्यादा नीचे रहेगी। क्योंकि 60 क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं कि 60 क्वेश्चन इजीली कवर किए जा सकते थे, उसमें मैंने पेपर देखा है, हमने एनालिसिस भी डाला है अपनी वीडियो पर, अगर आपने एनालिसिस नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखें। ठीक है, अब मैं बात करूँ बीसीबी की, जिसमें मात्र 40 पोस्ट थी, उसकी कट ऑफ रहेगी थोड़ी सी हाई, किससे? बीसीए से, 57 से 60 क्वेश्चन। और अगर मैं बीसीए की बात करूँ तो बीसीए में अगर जिसके 55 से 58 क्वेश्चन के अंतराल में ठीक है तो वो अपने फिजिकल की तैयारी रखो। ठीक है, एससी की बात करूं तो एससी की कट ऑफ रहेगी लगभग 53 से 56 क्वेश्चंस के बीच में, 53 से 56 क्वेश्चन जिसके हैं ठीक है वो अपनी फिजिकल की तैयारी रखो, आपको बुलाया जाएगा। अब अगर मैं एक्स सर्विसमैन की बात कर लेता हूँ, एक्स सर्विसमैन में जिसके 50 के आसपास जो पहुंच रहा है, 50 या 48 के आसपास जो पहुंच रहा है, उनका भी इजीली हो जाएगा इसमें सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात की कट ऑफ की, फीमेल कांस्टेबल की और रिजर्व बटालियन की। एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया है। देखो, फीमेल की कितनी,
62 से 65 कितने किसकी, जनरल की, बीसीबी की 60 से 63, बीसीए की 58 से 61, एससी की 52 से 55, ठीक है, ये किसकी है, फीमेल कांस्टेबल की। और अगर मैं बात करूँ आईआरबी की, तो आईआरबी की कट ऑफ रहेगी 59 to 63 क्वेश्चंस जनरल के लिए, बीसीबी के लिए 57 से 60, बीसीए के 55 से 58, एससी की 53 से 56, और एक्स सर्विसमैन की जिसके 50 के आसपास क्वेश्चन ठीक है, 48 के आसपास भी जिसके ठीक है, मैं कहना चाहूँगा उसका भी ठीक है, हो जाएगा सिलेक्शन। 60 पोस्ट है एक्स सर्विसमैन की, ठीक है दोस्तों। एक बात याद रखना, गुना 7 बच्चों को बुलाया जाएगा, कितने बच्चों को, गुना 7 बच्चों को बुलाया जाएगा, किसमें, फिजिकल में, ठीक है। तो दोस्तों ये बात की हमने कट ऑफ के बारे में, आपको एक और जो नॉलेज है आपके लिए, एक और इन्फॉर्मेशन वो ये है कि कल से हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है, क्वेश्चन बैंक सीरीज, जो कल स्टार्ट होगा, जिसकी वीडियो, पहली वीडियो कल 8 बजे अपलोड होगी। ये जो वीडियो है दोस्तों आरपीएफ और आईबी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईबी का जो एग्ज़ाम आने वाला है और जो आरपीएफ का एग्ज़ाम आएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, दोनों के लिए ये जो सीरीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। इस सीरीज़ के अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस कराएंगे खाली प्रीवियस ईयर के, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, हाल ही में 14, 15, 16, 17, 18 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और वो हेल्पफुल होंगी एसएससी में भी, हरियाणा एसएससी में भी, यूपीएससी के प्री में भी, और आरपीएफ तो बता ही दिया जो आने वाला है, और आईबी और जो भी वन डे एग्जाम है कम्पिटिटिव के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कल से ये स्टार्ट होगी दोस्तों, ठीक है। अपने दोस्तों में इसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अ टेम्पल ऑफ नॉलेज परिवार में जल्दी से जल्दी जुड़िए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।